दोस्तों आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक निकाल ले निकाल ले आज जहाँ पे गाय यहाँ पे रोटी देनी। जैसे सामने देख सकते हैं आपका कजरी खड़ी है जो कि गाय का एक बहुत प्यारा बच्चा है। इसको हम जब भी आते हैं रोटी जरूर देते हैं। यहाँ पे गाय के साथ साथ बकरियाँ भी देख सकते हैं आप, और पीछे देख सकते हैं कितना बढ़िया आपका हरी हरी घास उगाई है। और यहाँ पे देखिए आप कितना बढ़िया आपका मौसम, शाम के समय लगभग आपका 6 बज चुके हैं। ये देखो आपकी बकरियाँ हैं, और ये है आपका अपना प्यारा डॉगी जिसका नाम है आपका शेरू। हमारे आते ही शेरू देखिए उड़ गया आपका। इसको पता है हम डेली इसके लिए बिस्किट लाते हैं, और जब भी आते हैं बिस्किट जरूर लाते हैं। फिलहाल आज हम बिस्किट नहीं लाए हैं, हरेले का प्रसाद लाए हैं जिसमें आपका पूड़ी हलवा है। देखते हैं शेरू को पसंद आती है नहीं आती है। ये देखिए शेरू हमारे साथ साथ चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गाय का गोबर जो आपके किसान है उन्होंने रखा हुआ है जिससे वो कंडे बना पाए। कंडे बना के ये लोग क्या करते हैं, अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ जब भी आपका मच्छर लगते हैं या आपका कोई भी आपका मच्छर हो गए मक्खी हो गए इनको भगाने के लिए ये इस कंडों को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो गाय का बच्चा है इस खेत में वाला हुआ है, और ये सिस्टर के हाथ में आप देख सकते हैं रोटी है और पूड़ी भी है। ये देखिए तू क्या खाएगा बता, तेल 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 ले बिस्किट लाए। सोच रहा है कि इसको यहाँ पे बिस्किट मिलेगा, लेकिन बिस्किट लाना हम यहाँ पे भूल गए हैं आज। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए आंटी आ गई हैं जो आपका खेत को देखती हैं साथ साथ आपका। अरे तो खा ला पुआ, चारा भी आपका इस्तेमाल किया जाता है गाय को देने के लिए। और ये यहाँ पे शेर को हमने हलवा दिया थोड़ा, तो देखा कि खा रहा नहीं खा रहा है, और लेकिन शेरू उसको छोड़ के आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब ये हमारी कजरी है और साथ में हमारा यहाँ पे शेरू। शेरू को हमारे साथ साथ चलना काफ़ी बढ़िया लगता है क्योंकि उसे पता है जब तक हम उसे बिस्किट नहीं देते तब तक हम जाते नहीं है। लेकिन आज हम ऑनेस्टली कह रहे हैं बिस्किट उसके मार भी गई। ये देखिए आपका यहाँ बकरियाँ आ गई हैं, तो नहीं यहाँ पे थोड़ा रोटी दी यहाँ पे, ठीक है रोटी खा नहीं रही है खाली, क्या कहते हैं ये मोबाइल खाना चाहती है। काफी अच्छा लगता है तो जब भी आपके पास कोई भी चीज बच जाती है रोटी तो बकरी उधर कुछ भी बचता है तो आप इन जानवरों को जरूर दी। ये देखिए शेरू भी एंजॉय कर रहा है, शेरू को लग रहा है कि क्या कहते हैं मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हमने यहाँ पे पूड़ी दी उसने भी खाई। दिखाई प्यारी प्यारी बकरियां। तो यहाँ पे इन बकरियों ने भी आपका थोड़ा आपका रोटियां खाई। वैसे ये तो मेरे पांव में टेक रही है, ये बकरी मेरे पांव में टेक रही है। रोटी शायद ही कोई देता है, लेकिन हमने भी पहली बार ट्राई किया, लेकिन इन बकरियों ने जरा सा भी शर्माया नहीं और बिना शर्माए खा गए। और ये मैं खड़ा हूँ आपका। अरे ऐसे तेरे पे चढ़ गया आएगा। कुछ बकरियां तो बहन के ऊपर ही चढ़ गई, देखो इतना उनको मतलब रोटी खाने की, और वो सीधे चढ़ती जा रही है। यहाँ पे सिस्टर भी काफी डेयरिंग बनी हुई है, उसने बिना डरे इन बकरियों को रोटी दी यहाँ पे। लेकिन जो हम रोटी लाए थे वो अपनी कजरी के लाए थे। चलो कोई ये देखो ये काली बकरी तो सीधे चढ़ी गई आपका। अब इन बकरियों के बाद हमने सोचा कि कुछ रोटियां बचा देनी चाहिए जो कि कजरी के लाए थे, तो अब देखते हैं कजरी कब आती है। तो इन बकरियों को देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पे पूड़ी भी मिल रहा है, हलवा ही मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो हम आगे जाएंगे कजरी को देने। ये बड़ी प्यारी बकरी थी भाई, इसको तो मैंने भी दिया आपका। वो तो जो रोटी गिरा रखी गाय को दूंगा आपका, ठीक है। ये शेरू यहाँ वेट कर रहा है कि इसको भी कुछ मिलेगा, लेकिन उस बेचारे को आज बिस्किट नहीं मिल पाया। ये काली बकरी बड़ी प्यारी थी, लास्ट से बच गई थी, इसके लिए भी हमने रोटी दी। जो बची हुई मेरे को दे देना गाय को दे देना। काफी गर्मी हो रही थी यहाँ पे, जो नजारा था देखने लायक था। इतनी हरियाली में अगर आप चाहे किसी भी जानवर को दें तो आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति के आप लोग काफी करीब रहते हैं। यहाँ पे देखिए कजरी आ गई, कजरी को खोल दिया था जब हम आए थे, तो कजरी को जैसे ही खोला फिर हमने भी उस कजरी को रोटी दी। जितनी भी रोटी और जितनी भी पूड़ी बची थी हमने कजरी के लिए बचा ली थी। शेरू को लग रहा था कि उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, और ये देखो कजरी कितने प्यार से खा रही है। जब भी हम ले जाते हैं कजरी बहुत प्यार से खाती है।
हमारा वेट करती है कि कब आएंगे, हमें दूर से ही पहचान लेती है। ये देखो बकरियों को भी आवाज हो गई है, जब भी हम जाएंगे बकरियों के लिए भी लेके जाएंगे। तो जब भी आपके पास कोई सामान बच जाए, खाने का कुछ भी बचे, आप इन जानवरों को जरूर दीजिए, आपको दिल से बहुत अच्छा लगेगा और अंदर से सुकून मिलता है। ये देखो मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने भी यहाँ पे दिया आपका। ये कुत्ते तो ये आपकी आज की हमारी एक छोटी सी जर्नी थी, जहाँ पे हमने छोटा सा व्लॉग शॉट किया यहाँ पे, कि हम दिखाएंगे दर्शकों को कि किस तरह से आप लोगों के पास कुछ भी बच जाता है, रोटी बचती है, सब्जी बचती है, कुछ भी बचता है, तो इन जानवरों को जरूर दीजिए, चाहे वो कुत्ता हो चाहे कोई भी हो। और आते वक्त तो हमें एक बिल्ली का बच्चा भी दिखा था, वो आपको एंड में दिख जाएगा, ठीक है। चलो ये देखिए, ये हम जा रहे थे तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्ली का बच्चा दिखा था। तो मैंने भी आपका जब जिसको देखा बिल्ली के बच्चे को, तो मैंने इस बिल्ली के बच्चे को उठा लिया था। तो यहाँ देखिए, ये बिल्ली का बच्चा हमें जब जा रहे थे रोटी देने, तब हमें दिखा था, अब ये वापसी के समय भी हमें दिखा है। चलो इसको भाई बाय बोल लो। ये देखिए, अब इस तरह से हमने यहाँ पे विदा की, और जब हम जा रहे थे तो ये बच्चा दिखा और मैंने इसको बड़े प्यार से उठाया आपका। ये अपनी माँ के लिए रो रहा था। ये देखिए, चल चल जा, चल निकल निकल निकल। तो प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो नीचे कमेंट करना ना भूलें।